What's up guys, this is Ayash Kishore, welcome back to another video. Guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी 900 किक, चीट 900 किक को कैसे जल्दी से जल्दी 5 मिनट में सीख सकते हैं. गाइज, इस किक के लिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे कि एक और ट्यूटोरियल बनाओ. सो गाइज, मैं ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स लर्न द चीट 900 किक इन ओनली 5 मिनट्स. सो गाइज, आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ट्यूटोरियल. गाइज, सबसे पहले चीट 900 किक के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को दो किकें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. एक है आपकी राउंड हाउस किक एंड दूसरी है आपकी 720 किक. बिकॉज ये दोनों ही का कॉम्बिनेशन है चीट 900 किक. बिकॉज हम लोगों को इसमें 720 डिग्री अपनी बॉडी को रोटेट करना है. 720 में जिस पैड से हम लोग किक मारते हैं उसी पे लैंड करना है एंड जस्ट अपने अपोजिट लेग से राउंड हाउस किक मारनी है. तो ये है इसका मेन मतलब टेक्निक कि क्या होता है एक्चुअली में चीट 900 किक में या 900 किक में. सिंपल सी बात थी, 720 डिग्री जो किक होती है उसमें जिस पैर से हम लोग किक मारते हैं बस उसी पे हम लोगों को किक ना मार के उसी पे लैंड करना है एंड अपने अपोजिट लेग से किक मारनी है. इसकी सिंपल सी टेक्निक है कि आप इसको डायरेक्टली 720 डिग्री किक से या 720 किक से 900 किक में प्रोग्रेस करो. तो सबसे पहले आप लोगों को एक मैं 720 किक दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे आगे अपने स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे कि हम लोग अपने कैसे 720 को चीट 900 किक में बदल सकते हैं. तो सबसे पहले ये है मेरी 720 किक. सो गाइज, ये हो गई हमारी 720 किक. अब इसको चीट 720 किक भी बोला जाता है एंड जो हमारी 900 किक होती है उसको भी चीट 900 किक भी बोला जाता है. अब गाइज, ये एक मतलब जो कन्फ्यूजन होती है लोगों में, मैं क्लियर कर दूं कि चीट क्यों बोला जाता है. बेसिकली जो किक्स होती हैं वो दो सेटअप में पड़ती हैं. हमारा एक सेटअप होता है पॉप सेटअप, एक होता है चीट सेटअप. पॉप में क्या होता है, पॉप में हम लोग कोई भी किक जो है दोनों पैर से एक साथ उछल के मारते हैं, दोनों पैर से एक साथ जंप करते हैं. जैसे हम लोगों को जैसे जंप स्पिन हुक किक है तो वो पॉप सेटअप में पड़ती है. ये आए हम लोगों ने दोनों पैर से उछल के किक मारी. एंड चीट सेटअप वाली किकें एक पैर से पड़ती हैं, जैसे कि हमारी सिंपल टॉर्नेडो या 360 की, क्योंकि उसमें हम लोग पहले वाइंड अप करते हैं, एक पैर उठाते हैं, स्विच करके किक मारते हैं. तो जो इस तरह की किकें होती हैं वो चीट सेटअप वाली किक होती हैं. सो अब ये तो आप लोगों की नॉलेज के लिए था, बट अब हम लोग वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे 900 पे. तो गाइज, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी, 720 से. अब 720 से हम लोग उसको डायरेक्टली प्रोग्रेस करेंगे 900 में. कैसे करेंगे, सिंपल सी टेक्निक ये है कि हम लोगों को अपनी किक को जो जैसे हम लोग 720 में अपनी किक खोलते हैं उसको खोलना कम करेंगे. मतलब हम लोग अपनी किक जो है नहीं मारेंगे, सिर्फ जो है 720 डिग्री ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी से वर्टिकली. इससे क्या होगा, हम लोगों को ट्विस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अब गाइज, हम लोग 720 डिग्री ट्विस्ट की कैसे प्रैक्टिस करेंगे. जैसा कि मैंने सिंपली बताया, हम लोग अपनी किक को जो है नहीं खोलेंगे. तो वो किस तरह से होगा, हम लोग अपना सिंपली 720 वाला कोरियन स्पिन लेंगे. अब कोरियन स्पिन और वर्टिकल स्पिन में अगर आप लोगों को डिफरेंस समझना है, 720 का मेरा प्रॉपर ट्यूटोरियल देखिए, उसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा. तो अब हमारा जो कोरियन स्पिन है, कोरियन स्पिन हम लोग मारेंगे एंड हम लोग उसमें अपनी 720 किक ना मार के उसी पैर पे किकिंग लेग पे लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे. गाइज, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इजीली नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा. तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इस मूव से, इस ट्विस्टिंग मूव से, वर्टिकली ट्विस्टिंग मूव से फैमिलियर हो जाओ कि आप कैसे अपनी बॉडी को 720 डिग्री ट्विस्ट करो और उसी पैर पे ही लैंडिंग करो. तो इसके लिए मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ट्विस्ट की. तो अगर आप लोगों का ट्विस्ट अच्छा हो गया देन आप लोगों को किक खोलने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. तो ये हो गया गाइस हमारा सिंपली 720 डिग्री ट्विस्ट. So guys, ये था हमारा 720 डिग्री ट्विस्ट. अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा 720 का किकिंग लेग था उस पर हम लोगों ने लैंडिंग करी एंड जो हमारा दूसरा पैर था वो एयर में फोल्डेड था. अब यहाँ पे आप लोगों को काम आएगी आपकी राउंड हाउस किक, यानी कि टर्निंग किक, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक होती है एंड मैंने उसका ट्यूटोरियल भी बनाया है. दोनों ट्यूटोरियल्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 720 की भी, राउंड हाउस की भी. तो यहाँ पे जो है आप लोगों की राउंड हाउस किक जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है. तो गाइज, अगर आप लोगों का ये 720 डिग्री ट्विस्ट प्रॉपरली होने लगा है तो आप लोग रेडी हो पूरी तरह से चीट 900 किक अटेम्प्ट करने के लिए एंड अपनी उसमें राउंड हाउस किक खोलने के लिए. एंड अगर आप लोग प्रॉपर टाइम पे लैंडिंग होने से पहले अपनी राउंड हाउस किक खोल दोगे, ओपन कर दोगे, तो आपकी जो 900 किक है बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ेगी. गाइज, इस किक में हाइट का इशू रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं गेन कर पाती है ये किक. बट ज़्यादा से ज़्यादा जंप करके अगर आप लोग मारोगे, मतलब जब आप लोग अपना 720 का टेक ऑफ करते हो, यानी अपना ट्विस्ट का टेक ऑफ करते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उछलने की कोशिश करिए, देन ट्विस्ट करके किक मारोगे आप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किक में हाइट ला पाओगे. क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है
ट्विस्टिंग में चला जाता है कि ट्विस्ट कैसे जल्दी से जल्दी हो। उस चक्कर में क्या होता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किक में हाइट नहीं ला पाते हो। तो मेन पॉइंट हाइट लाने के लिए किक में ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उछलना है, ट्विस्ट करना है, देन अपनी किक मारनी है। एंड एक मैं आप लोगों को 900 किक क्विकली दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल चीट एंड एडिट किक को आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी 5 मिनट में सीख सकते हो। आई होप के सारे स्टेप जो हैं आप लोगों को क्लियरली समझ में आए हों। एंड मैंने बहुत ज़्यादा डीपली इस ट्यूटोरियल में नहीं समझाया, बस मेन पॉइंट्स बताए हैं ताकि आप लोगों को मेन टेक्निक समझ में आ जाए। गाइज, इसका जो प्रॉपर डिटेल ट्यूटोरियल है उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप लोग चेक करना चाहो तो ज़रूर चेक कर लो। और मतलब अच्छे से सीखना है तो आप लोग वाला ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। और अगर गाइज आपको ये आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। गाइस गुड लक विद योर ट्रेनिंग, गुड लक विद योर 900 किक।